का इतना फैला हुआ है और छोटे छोटे बच्चे 15 साल 16 साल 12 साल इस तरह के बच्चे पूरा ड्रग की जाल में चपेट में आ चुके हैं और इसके चलते आम पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रहा है, कहीं चोरी हो रही है, कहीं घर में जो है घूम के दे रहे हैं। तो इस पर सर आप थोड़ा सा, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं, मैं थोड़ा सा बुद्धिजीवी तरह का एक जवाब देना चाहूँगा। एक मिनट, आपके पास क्या डेटा है? आप लॉयर हैं, आप भी लॉयर हैं? नो सर, इनको पहले करें, आप भी लॉयर हैं? जी सर। अच्छा ये बताइए आपके पास क्या डेटा है? डेटा ही है सर। एक मिनट मेरे भाई, आपने बोला मैंने कुछ नहीं बोला, आपके पास क्या कोई ऐसा डेटा है जो ये एस्टैब्लिश कर सके कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो लोग चोरी भी करते हैं? कोई ऐसा डेटा, कोई पेपर पब्लिश हुआ हो कहीं किसी का? आपको पेपर से चलना है, हमारे पास ऐसा देखिए आप विक्टिमाइज कर रहे हैं किसी, कोई हो सकता है? देखिए हम, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ सर, आप जो छोटा बच्चा जो ड्रग्स ले रहा है हम उसको विक्टिम के रूप में देखते हैं, आप उसको एक्यूज के रूप में देख रहे हैं, हम उसको विक्टिम ऑफ सिचुएशंस के रूप में देखते हैं। कोई बच्चा अगर ड्रग्स लेता है तो वो हमारा फेलियर है, पुलिस का फेलियर है, समाज का फेलियर है, उसके गार्जियनशिप का फेलियर है, हमारे लिए वो एक विक्टिम है। तो हम उसको इसलिए नहीं देते कि वो चोर बन गया, नहीं, ऐसा कोई डेटा हमारे पास नहीं है कि हम ये प्रमाणित कर सकें। और अगर वो चोर बनता है तो हमारा और ज़्यादा फेलियर है, पुलिस इस मामले में बहुत संवेदनशील है, बच्चों के मामलों में बहुत सीरियसली हम लोग कर रहे हैं। दो दिन पहले भी अभी आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने भी शामिल हुए थे, भारी मात्रा में लगभग 50 लाख रुपए से ऊपर का ड्रग्स हमने पकड़ा है 2 दिन पहले आधार का, और हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन प्लीज सभी के लिए, जो अगर कोई आपको बच्चा कहीं कोई ड्रग्स लेता हुआ दिखता है तो उसको काइंडली एक्यूज के जैसा नहीं, ठीक है वो एक अपराध है, वो एक मामला है, बट काइंडली उसको एक विक्टिम के रूप में भी देखिए, तभी हम लोग सही परस्पेक्टिव करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने कहा कि और लोग भी नहीं, उनको लास्ट क्वेश्चन देते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों का, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन का सिलसिला खर्च नहीं होगा और हमारे और भी स्पीकर हैं। मैं बता रहा हूं कि मैंने 10-15 बच्चों को अपने यहां बुलाया था, बाकी जो क्वेश्चन का जवाब है आप दोबारा करने को निकाल सकते हैं। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ पे आए और अपना माहौल समय लिया और अभी 1-to-1 सवाल भी ले रहे हैं। सर मेरा छोटा सवाल है कि खाकी और खादी और साथ साथ में काला कोट, ये तीनों का जो ट्राइंगल है इसमें आमतौर पर खाकी और काला कोट में देखा जाता है एक प्रकार से रिपल्सिव टाइप से कि हम एक ओपोजिट करते हैं, लेकिन वही खाकी और खादी में देखा जाता है और एक थोड़ा सा अट्रैक्शन लगता है। अच्छा कभी पुलिस को ये महसूस होता है क्या कि खाकी को खादी इन्फ्लुएंस करता है इन्वेस्टिगेशन में, या फिर उसे एक प्रकार से इंडल्स करता है जस्टिफिकेशन में, या फिर इस बात को कलेक्ट करने के लिए कि जैसे कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में आज क्रिमिनलाइजेशन बढ़ गया है, तो उस वक्त में आप क्रिमिनल से लड़ रहे हैं और पॉलिटिक्स के आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वहाँ पर कहीं इस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है या कभी इस तरह की सिचुएशन? और दूसरा सवाल इसके साथ है सर कि कभी कभी पुलिस निर्दोष लोगों को वायलेंस को शांत करने के लिए उनको जेल भेज देती है, क्या ये बात सही है या फिर कहाँ तक सही है? और साथ ही साथ जो स्पेशल इनकाउंटर की बात है उसमें कभी कभी पुलिस इसका मिसयूज भी करती है, क्या ये बात भी सही है? दो तीन बातें उन्होंने कहा, 4-5 क्वेश्चन है इनका, एक साथ जवाब दे देता हूँ। पहला तो मैंने कहा था कि मैं कोई पॉलिटिकल डिबेट पे कोई कमेंट नहीं करूँगा, बट फिर भी ये तीनों का आपस में एक है, एक विधायिका है, एक अपना हम लोग हैं एग्जीक्यूटिव और आप लोग हैं। देखिए हम और आप जो है तो काला कोट और पुलिस जो है वो एक दूसरे का एंटी नहीं है। आप वो कहते हैं कि नेचुरल जस्टिस इंश्योर करने के लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं, हम किसी पर आरोप लगा रहे हैं पर उसको राइट टू डिफेंस है, हर आदमी को राइट टू डिफेंस मिलना है। मैं इतना भी मान इवन मेरे सामने भी कोई हत्या हो जाएगी, मैं सामने हूँ, मेरे सारे सामने कोई हत्या हो जाएगी, कुछ अपराध हो जाएगा, तभी मुझे उसी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना होगा। ऐसा इसलिए एवरी पर्सन हैज द राइट टू डिफेंस और आप उसके सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम दोनों विरोधी नहीं है एक दूसरे, कोर्ट में विरोधी होना हमारा काम है और हम लोग एक दूसरे का काम करते हैं, आप अपना काम करते हैं, आप उसको राइट टू डिफेंस का मौका देते हैं और हम प्रोसिक्यूशन है, हम उसको हमारा ड्यूटी है ड्यूटी टू प्रोसिक्यूट, इसलिए हम उसको प्रोसिक्यूट भी करते हैं, पर इससे कोर्ट के बाहर हम लोग वैसे ही दोस्त हैं जैसे दोस्त हैं। दूसरी चीज पॉलिटिकल डिबेट नहीं, बट मैं ये कहूँगा कि पुलिस आमतौर पर 99% टाइम्स में किसी दबाव में काम नहीं करती है, आपको ऐसा लगता है कि पुलिस दबाव में काम करती है, क्योंकि हमारी वर्दी तो उतरवाने का धमकी नहीं, हर
जिन हमें भी 13 साल में बहुत बार धमकी मिली है, हमारे घर में स्त्री और बढ़ी गया था हमारे कब्जे पर। तो ऐसा पुलिस आपको डरी हुई दिखेगी, पुलिस डरती कभी नहीं है किसी से, याद रखिएगा हमेशा। इसलिए किसी भी कोई भी हो किसी से डरती नहीं है पुलिस, हाँ पर एक्सेप्शन और ऑलवेज देयर। मैं एकदम ये नहीं कहता कि पिक्चर एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है, कोई चीज सिस्टम में फुल प्रूफ नहीं है, कोई सिस्टम 100% नहीं है, बट फिर भी विकास अच्छे डायरेक्शन में हो रहा है। दूसरी चीज़ है एनकाउंटर नाम की कोई चीज़ पुलिस के डिक्शनरी में नहीं है। आपके लिए वो एनकाउंटर है, हम लोग सीआरपीसी आईपीसी कहीं भी आप देख लीजिए एनकाउंटर का कोई चीज़ ही नहीं है। हमको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ है सेक्शन 100 में, जो आपको भी मिला हुआ है, उनको भी मिला हुआ है। हमारे पास उस राइट टू प्राइवेट डिफेंस को यूज करने के लिए बंदूक है जो गवर्नमेंट ने लीगली हमको दी है। आपको पता है सेक्शन 30 आर्म्स एक्ट में हमको पावर है कि हम उसको बिना लाइसेंस के यूज कर सके जब हम ट्रेनिंग पास कर जाते हैं। बस वो पावर हमारे पास, आपके पास अगर डंडा होगा, एक कॉमन मैन के पास भी वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, ठीक है। दूसरा है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस अपना और दूसरे की प्रॉपर्टी को बचाने का है, वो आपको भी है हमको भी है। आपके बगल वाले का घर जल रहा है तो आप भी उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम भी वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास एनकाउंटर का कोई पावर नहीं है। अगर उस मामले में भी पुलिस गलती करती है, कई पुलिस वाले ऐसे कई इंसिडेंट ऐसे हुए हैं हमारे यहाँ, ऑनरेबल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, जिन्होंने जस्टिस दिया है और विक्टिम्स को प्रॉपर कंपनसेशन दिया है, जिन्होंने बदमाशी की थी उनको सजा भी दी है, उनको जेल भी हुई है और आगे जो उनका होना होगा। तो सिस्टम में कोई सर्वशक्तिमान नहीं है, ना मैं सर्वशक्तिमान हूँ, ना कोई सर्वशक्तिमान, सभी के लिए प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए गए हैं ताकि कोई अपना काम जैसे ही ज्यूरिडिक्शन को बाहर करता है, ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाता है। तो ये जो आपने कहा कि पुलिस निर्दोष को जेल भेज देती है, तो अब कानून ही ऐसा है कि हमको रीजन टू बिलीव होना चाहिए, तो हमारे पास रीजन टू बिलीव एंड वो रीजन हमें राइटिंग में लिख के देते हैं। तो हम लोग किसी को जेल भेजते हैं तो बकायदा फॉरवर्डिंग, जब आप लोग एक्चुअल प्रैक्टिस में आएंगे तो आपको पता चलेगा जो एक्यूज को फॉरवर्ड करते हैं तो हम रीजन टू बिलीव, ऐसा क्यों मानते हैं ये एक्यूज है, हमारे कहने से थोड़ी हम भगवान होंगे कि किसी को कुछ बोल देंगे भैया ये एक्यूज है, नहीं। रीजन टू बिलीव जो है हमारा वो डॉक्यूमेंटेशन होता है एक से नीचे ऐसा, एंड उसके बाद हम लोग काम करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू सर। मैं जाते आते ये कहूँगा कि जैसे 10-15 बच्चे पिछली बार आए थे, मैं आप लोगों का भी स्वागत है, यहाँ टाइम का लिमिट है, मेरे पास भी टाइम का लिमिट है, अब मेरा फोन आना शुरू हो गया, मेरा टाइम खत्म हो गया जितना टाइम मुझे मिला था। अब आप 2-2 मिनट में मैडम ने देखा है अपने जाकर मेरे ऑफिस में, यार 2-2 मिनट में फोन मैडम दी गई थी, 2-2 मिनट में फोन आते हैं, बहुत सारा फोन साइलेंट में है। तो यह मैं आशा करता हूँ कि मैंने कुछ क्वेश्चन के जवाब दिए होंगे, बट मैं यही कहूँगा कि हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता है, पुलिस में भी पुलिस बहुत स्ट्रेस रहती है, पुलिस भी ये रहती है और पुलिस स्टाफ ऑफिस ऐसे अपनी नॉलेज में अकेले चलती है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छे और सरल भाषा में हम लोगों को बताया कि पुलिस का रोल क्या है और पुलिस कितने स्ट्रेस में रहने के बावजूद भी हमें अमन चैन से घर में सोने का सोने देती है और थोड़ा बहुत दुख बहुत हर किसी में होता है, गड़बड़ियाँ हर जगह होती है, उसके लिए हायर ऑथोरिटीज जिस तरीके से उन पर एक्शन लेते हैं उनको सभी एक विश्वास दिलाया। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा हो। तो आज हम लोग लॉ कॉलेज आए थे और वर्ल्ड इंडिजिनस डे था, वर्ल्ड इंडिजिनस डे में आज जो है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके क्रिमिनल अगेंस्ट वुमेन के अंदर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अंदर जो है उस पर चर्चा चल रही थी, जिसमें बड़का गांव के एसडीपीओ अमित सिंह जी अभी भाषण दे रहे थे और बहुत लोग हैं जो भाषण दे रहे थे, प्रोग्राम शुरू से चल रहा है। और ये है जो हॉल है, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का हॉल है, यहाँ पर प्रोग्राम अभी जारी है, बाकी स्पीच जो है हम लोग आपको सुनाने की कोशिश करेंगे, बहुत कुछ है जो वो बात करेंगे और कैसे क्या यहाँ के स्टूडेंट कर रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। आज के विशिष्ट अतिथि श्री अमित कुमार सिंह आईपीएस जो बड़का गांव लॉ
मैम हम लोग लाइव हैं तो इस प्रोग्राम के बारे में बताएं अभी क्या चल रहा है। ये प्रोग्राम हम लोग इंडिजिनस वर्ल्ड ट्राइबल डे के शुभ अवसर पर हम लोग आयोजित कर रहे हैं। हालांकि वर्ल्ड ट्राइबल डे तो 9 अगस्त को है, लेकिन गेस्ट की व्यवस्था के चलते हमको इसको प्रीपोन करना पड़ रहा है, इसलिए इंटरनेशनल ट्राइबल डे के लिए हम लोग आज ही इंटरनेशनल ट्राइबल डे के थीम को देखते हुए यूथ को और अपने स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करने के लिए और उनमें एक नया स्पिरिट इनकलकेट करने के लिए आज का ये प्रोग्राम रखे हैं कि ये समाज में मूल जो परिवर्तन करें, क्योंकि दे आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। तो समाज के आर्किटेक्ट होने के नाते इन पर यह दायित्व है कि समाज का बदलाव करें और समाज को उन्नत करें। इस टॉपिक पे क्या क्या चर्चा हुई जो टॉपिक आप लोगों ने रखा है? इन टॉपिक में स्पेशली हम लोग वुमेन पर इम्फेसिस किए हैं, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पर इम्फेसिस किए हैं और स्पेशली ट्राइबल वुमेन झारखंड पर, जैसे कि बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे डाउरी डेथ की समस्याएं हैं, वाइफ बैटरिंग की समस्या है, डोमेस्टिक वायलेंस की समस्या है, सेक्सुअल असॉल्ट की समस्या है, तो इन सारी समस्याओं पर पुलिस की क्या भूमिका रही है, क्योंकि पुलिस को जनरली हम एक कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन की तरह समझते हैं जो आज भी जनता से दूर है, जिन पर जनता का विश्वास बहुत ही कम है और जनता एक लास्ट रिकोर्ट्स में पुलिस के पास जाना चाहती है। हम प्रियंका रेड्डी की केस देखते हैं हैदराबाद में, जहां जनता ने पुलिस पर विश्वास नहीं किया बल्कि खुद ही मॉब लिंचिंग के शिकार हो गए एक्यूज। तो ऐसे समय में पुलिस के इंस्टीट्यूशन में क्या सुधार होना चाहिए जिससे कि जनता का उनमें कॉन्फिडेंस फिर से वापस आ जाए और जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो कम हो जाए और एक सभ्य समाज, जो हमारा भारत, जो एक हम कहते हैं कि हमारा भारत वो देश है जहाँ सभ्यता पहले आई, जहाँ पहले जन्मी कला, और मेरा भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और चलता ही गया और आगे बढ़ा, ऐसे भारत का हम निर्माण कर सके। आपका पूरा नाम क्या है? रश्मि प्रधान, प्रभारी प्राचार्य। चाहेंगे कि उन मैडम से ही बात करना चाहेंगे जो आई हुई है। हाँ, अगर तुम आप अपना नंबर हम अभी लाइव है मैम, तो यही लॉ कॉलेज में अभी देखिए चल रहा है प्रोग्राम और हम लोग अलग अलग जो स्पीकर हैं मड़का गांव के डीपीओ से तो बात करा ही और जो अलग अलग स्पीकर हैं उनसे ही बात करना चाह रहे हैं। उन्होंने अपना अपनी जो विचार रखी है और लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में जान रहे हैं कि आखिर जो वर्ल्ड इंडिजिनस डे में प्रोग्राम चल रहा है जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैम आज के भाषण में आपने भी स्पीच दिया है और जो टॉपिक चुना गया है इंडिजिनस डे पे लेके, इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या चल रहा है। हम सब जानते हैं कि 14वीं शताब्दी से ये चलते आ रहा है इंडिजिनस डे को सेलिब्रेट करने का। ये सेलिब्रेट करना काफ़ी नहीं है। यूएन अपना काम कर रही है, वो ऑब्जर्व करती है कि कैसे क्या हो रहा है पूरे विश्व पटल पर, किसकी क्या स्थिति है, तो बीच बीच में वो हमें याद दिलाती है कि आप जो जहां हम लैक करते हैं, स्पेशली जहां हम जो चीज़ में हमारी जो खामियां हैं, जहां हम छूट रहे हैं, उन सब चीज़ों को वो याद करती है। हम सभी जानते हैं कि आदिवासी जो पॉपुलेशन वो हम वाले नेचर पे वो काम करता है, उनकी प्रॉपर्टी कलेक्टिव होती है, वो जब भी काम करते हैं सामूहिकता में करते हैं, नाचते हैं एक साथ जुड़ा के काम करते हैं, नाचते हैं गाते हैं, तो सामूहिकता वहाँ होनी है। लेकिन उसके बावजूद आज हम जब देखते हैं लाइट वर्ग में आते हैं तो एक आदिवासी व्यक्तित्व दूसरे आदिवासी व्यक्तित्व का हाथ थामने में चूक जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कल्चर में ये चीज़ है कि हम जाति उनका जो सीधापन है या उनको जो नेचर से मिला है कि वो दूसरों के साथ पक्षपात नहीं कर सकते। तो अब ऐसी स्थिति में जब हम किसी पद पे आते हैं तो हम सिर्फ अपने चाचा भतीजा को खींच के नहीं लाएंगे वहाँ, जो प्रायः हम लोगों को देखने को मिलता है, अगर इसे अन्यथा ना लिया जाए तो अगर एक पांडे जी आ गए तो अपने साथ बहुत सारे पांडे जी को लेकर आते हैं, अगर एक बिहारी आ गए तो पूरे बिहारी को लेके आएंगे, अगर एक साउथ इंडियन आ गए तो वो एक चेन बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासियों के नेचर में ये नहीं है कि हम सिर्फ अपना देखें, वो सभी को देखने की जो प्रवृत्ति है, और उस चक्कर में हम सिर्फ अपना ना देखे सारे लोगों को देखते हैं और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हमारे लोग हमसे छूट जाते हैं। तो ऐसे में ज़रूरत पड़ रही है आज के तारीख में युवाओं को कि सेल्फ डिटरमाइन होने की, कि आप थोड़ा अपने बारे में भी सोचो
तो लेकिन जब हम अपने बारे में सोचने की बात करते हैं तो वहाँ एक सेल्फिशनेस की बात नहीं, एक स्वार्थ की बात नहीं, बल्कि टोटैलिटी में एक विकास की ओर या जो मेन स्ट्रीम है सोसाइटी के उसके साथ जब आप बढ़ रहे हो तो उन सब चीज़ों को भी देखना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहीं हमसे कोई चीज़ छूट तो नहीं रहा है, बस यही है। आपका पूरा परिचय और मैं इस विश्वविद्यालय में कार्यक्रम समन्वयक की हैसियत से, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक की हैसियत से काम कर रही हूँ, साथ ही एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड के रूप में काम कर रही हूँ। उसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो विश्वविद्यालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिसमें हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है, आर्ट एंड कल्चर से है, या सीनेट हो या सिंडिकेट हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक इस पद पर काम करते हुए हमको भी ये देखना होता है कि हम जहाँ हैं मेरे साथ वाले कितना है, लेकिन स्वभाव के स्वरूप सारे लोगों को लेके चलना हमारा काम है। थैंक यू। तो हम लोग धीरे धीरे जो है वो अलग अलग स्पीकर से जो उनका बाइट ले रहे हैं, और दो स्पीकर से बात कराया, एक और स्पीकर जो है उनसे सर बात करा रहे हैं, और जो प्रोग्राम है वो लगातार चल ही रहा है, लेकिन आज स्पेशल जो गेस्ट आए हैं उनसे भी हम लोग बाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर वो क्या सोचते हैं सर, तो वो क्या सोचते हैं इस प्रोग्राम के बारे में और कैसे करते हैं। हाँ, तो अभी जो कीनोट स्पीकर थे अमित जी वो बाहर हैं, उनका थोड़ा सा हम लोग, हाँ सर, लॉ कॉलेज में देखा गया है और प्रोग्राम में आपने कीनोट स्पीच भी दिया, तो वर्ल्ड इंडिजिनस डे को लेकर, और आप बड़का गांव के एरिया में रहते हैं तो काफ़ी ट्राइबल्स भी वहां पे रहते हैं, तो कैसे होता है पुलिस एक इंडिजिनस को ट्रीट करते हैं, और क्राइम रिलेटेड टू वुमेन जो होता है उससे रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में? ये जो जागरूकता फैलाई जा रही है जो इंडिजिनस पीपल के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, चाहे महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, उसी के सीरीज़ में हमारा एक पुलिस और ये लॉ कॉलेज के लड़कों के साथ एक इंटरेक्शन था हम लोगों का, और आपस में बातचीत हुई, अच्छी बात हुई, पुलिस क्या कर रही है इनसे शेयर किया गया, इनका अपना फीडबैक लिया गया कि ये चूँकि ये भी इमर्जिंग लॉयर्स हैं, ये जाके कोर्ट में और समाज में नया संदेश देंगे। उनका प्रोग्राम आज बेसिकली पुलिस का रोल क्या होता है वुमेन एम्पावरमेंट क्रिमिनल जस्टिस पे, तो आज का जो प्रोग्राम है वो हमारे लॉ कॉलेज में जो होने का है वो बेसिकली महिला को सशक्त करने का विचारधारा से रखा गया था, जिसमें हमारे अतिथि के रूप में अंबाजी का आना था, एसडीपीओ सर का आना था, लेकिन किसी कारण वजह अंबाजी नहीं आ पाई, तो हमारे डीपीओ सर ने आए और हमारे कॉलेज के जो भी अन्य करिकुलर हैं हमारे टीचर उनका प्रेजेंट हुआ। तो मैं बेसिकली हम लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जस्टिस, महिला को जस्टिस मिले, चाहे वो पौराणिक काल से या वर्तमान काल से जिस प्रकार से आज तक देखा जा रहा है, महिला के लिए हर एक तरह का इनिशिएटिव लाया जा रहा है हमारे, चाहे वो राज्य सरकार के द्वारा हो या भारत सरकार के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लाया तो जा रहा है लेकिन वो चीज़ प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से महिला सशक्त नहीं हो पा रही, चाहे उसके लिए उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है या अन्य कई गतिविधियों में भी महिला को प्रथम दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोग को जस्टिस के रूप में नहीं मिल पा रहा है। यहाँ जस्टिस का मतलब सिर्फ क्राइम नहीं है, हर एक स्टेज में, हर एक क्षेत्र में उनका प्रॉपर स्टेज मिले उसके लिए बात किया जा रहा है। तो यही था आज का जो कार्यक्रम, वो चल ही रहा है अभी, और लगातार जो है 2-3 घंटे से हम लोग यहाँ पे थे और देख रहे थे कि किस तरह से जो है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहा है उसको लेकर लॉ कॉलेज में एक प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें पुलिस के अधिकारी भी आए थे और प्रशासन के लोग भी आए थे, फिर प्रोफेसर भी आए थे जो अपनी भाषण दे रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज अनवर जोहार हजारीबाग। आपने तो झेला है, बच्चियां तो झेली हैं, जब बच्चे तो झेलते हुए देख रहे हैं, ये अपने मानस को बदलें।